बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। दोपहर का टाइम हो गया, तकरीबन 3:30 बजे के करीब टाइम है। तो चाय बना रही हूँ अब्बास होते हैं, मेरे जो आज गाड़ी लेके वो ठीक करवानी थी चाय की पत्ती। पहले अबू जी के साथ गई थी बाहर, जानवर बांधने गई थी, खुरियों के ऊपर चारा डाल दिया था अबू जी ने। अकेले थे अबू जी, अम्मी जी का भी बाजू दर्द कर रहा था। तो आवाज तो आएंगे शाम को, जब भी आएंगे तो वो देर हो जाने थे, 4 बजने वाले थे। तो अबू जी कह रहे थे कि जानवरों को ना चारा डालना है, तो खुरियों के ऊपर बांधना, शाम हो रही है। तो फिर अबू जी के साथ जानवर बांध के आई हूँ खुरियों के ऊपर। अभी अम्मी जी सब्जी बना रही, मैंने कहा आप छांव पे बैठ के सब्जी बना रहे। तो मैं ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे बैठी हुई है ना, तो यहाँ पे धूप है। मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ, तो आप ना छांव पे बैठ के बैठे बैठे सब्जी बना लें, मैं चाय बनाती हूँ। तो अभी चाय बना रही हूँ, चाय की पत्ती भी ऐड कर रही है, दूध भी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा जी, अब्बास और आ गए हैं भाई फयाज बाज़ार से वापस। तो शाम हो चुकी है, भाई फयाज को खाना दिया है, बाज़ार से नहीं खा के आए थे। तो अब्बास कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने नहीं खाना। तो मैंने अपने लिए बनाया अंडा, साथ में दूध छोटा, मुझे भी भूख लग रही थी तो मैं खाने लगी हूँ खाना। मैंने कपड़े धोला, फिर आटा गुंदिया, रंग ना चल गया। मैं चढ़ जूगा कपड़े ना, फिर सही नहीं लगते। ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਮੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਭੇਗ ਧੋਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਰਹਿਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਿਖਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋਤਾ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਭੇਗ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰ ਦਵਾ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ खेती दा करना हुंदा आ। अल्लाह चंगा करेगा, कल कहूंगी आ जिहड़ी देसी दवाई खांदा सी ना। काम कुम करदे रहना धुप्पे, ते तां फिर पानी पूनी भी वध घट पी हो जांदा आ। पीलियां होण ना ओहदा फिर खतरा हुंदा, इह असीं अज कराए सी इहदा टेस्ट, तां उहनां नूं कहिंदे नहीं जरकान नहीं ओहदा अखां पीलियां। हांजी नहीं नहीं कराए सी। भाई प्याज के कपड़े थे 2 सूट और अम्मी जी के अब्बास के, ये मैंने धो लिए। अब तकरीबन 5 से ऊपर टाइम हो गया, मौसम भी देख लें, सूरज ग़रूब होने वाला है। तो आटा फटाफट से गूंद दी, भाभी हीरा को लेके गई हुई है दम करवाने, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी, बुखार इतना ज़्यादा ना बेचारी को, बुखार तो जाने नहीं छोड़ रहा बेचारी का, वरना इतना ज़्यादा खेलती है हमारे साथ। तो अम्मी जी हांडी बना रही, तो मैंने कहा मैं कपड़े धो के तो आटा गूंद के फिर रोटी बना लेती हूँ। कपड़े धुल गए मेरे, ये तो काम ख़त्म हुआ, और अभी आटा गूंदती हूँ तो फिर रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं चलता है कब लाइट चली जाए। रात को लाइट जो है ना वो चली जाती है।
हांडी बन गई है। जहाँ पे मैं गुनने लगी हूँ आटा, तो उससे पहले करती हूँ भाई उस्मान से बात। गुनने से पहले करती हूँ भाई उस्मान से बात। पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना बेचैन सा है ना, कि पता नहीं ठीक है भी या नहीं। तो सुबह से काफ़ी दफ़ा कॉल किया, तो अभी बात फिर करती हूँ। इतना ऐसा ऐसा लगता जैसे पता नहीं ये कुछ हो ना जाए, अल्लाह माफ़ करे कुछ हो ना जाए। तो बस अभी जो है ना सबसे पहले भाई उस्मान से बात करती हूँ, उसके बाद फिर ना आटा गूँधना शुरू करती हूँ। आटा गूँधती हूँ उसके बाद रोटी बनाती। काम क्या नहीं जाओ दवाई ले आओ, मैं मार लू पानी पिला दिया, तुझे जाओ। मैं तो नाल चल दी, मैं दसा डॉक्टर ने की है तुहानू, क्यों तुसे स्टाक किया है। एक ऊपर से भाई उस्मान की टेंशन कि पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं, तो ऊपर से अब्बास को जब देखती हो ना तो इनकी टेंशन ऊपर से कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको बोलती हूँ कि मेडिसिन ले आए, तो कहते हैं किस चीज़ की लेके आओ मेडिसिन, मैं ठीक हूँ। तो इनकी शक्ल देखें नज़दीक आके कि क्या इनकी शक्ल बनी हुई है। और अभी सबसे पहले भाई उस्मान से बात करती हूँ, पूछती हूँ अम्मी जी से कि क्या हाल है भाई उस्मान का। जब से मैंने सुना हुआ है ना, तो पता नहीं मेरे दिल को क्या होता है, बस वही की टेंशन है, भाई उस्मान की टेंशन है कि वो ठीक हो जाए। एक पल में ऐसा होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ठीक करे इन दोनों को, तो फिर मेरी टेंशन ख़त्म होगी। अच्छा जी, खाना खा लिया और अभी आवाज़ के लिए मैंने कि दूध गर्म, मैं तो दूध थोड़ा बना के पी लेती हूँ ना, तो उनके लिए फिर जो मेडिसिन खानी होती है, कैप्सूल खाना होता है, उनके लिए दूध गर्म करती हूँ। तो इधर जाग लगाने के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा नींद गर्म कर लेती हूँ, फिर इसको लस्सी लगाऊंगी ना। अगर थोड़ा सा ना दूध पहले अच्छे थोड़ा सा मतलब हल्का नीम गर्म कर लेना, तो फिर सुबह दही जो है ना वो ज़बरदस्त जम जाता है। भाभी ऐसे कैसे रहा तबीयत ये रे कितना कितना सही बुखार है जो बहुत बुखार है, कदे सती सती हंसण आ जाती, कदे यकदम ही रोन लग जाती। अच्छा असि टींडे टींडे ते गोश्त पकाया सी, फूफो जी ने भी टींडा गोश्त। आवाज नहीं आंदी भाभी ऐसे ऐसे सैर तो करो ना तेज आवाज। हेलो कट हो गई कॉल, वैसे ही आवाज कट की कि मसला है ना। ये मेरी गुड़िया क्या देख रही है, चा ये ठीक हो जे, बुखार है, इंजेक्शन लगा जे, ए तीन लगने कड़िए बुखार आ ते नाले देख रंग काला हो गया। नहीं 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 नहीं, हां जी हां जी। अच्छा जी ये बात नहीं है, एक एक तेरे पास लागे आया खा लिया सुबह खा ली शाम तुम दिमाग थोड़ी ना मैं ना एने ना तुम आइसक्रीम का डब्बा रखा सी उसे, मैं जो आ गई ना कल नहीं जी।
ਮੈਂ
मैं आप लोगों के ना कमेंट्स का इंतजार करूंगी, मुझे जरूर बताइएगा आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठंडी ठाक जिसमें खड़ी बहुत है।